नमस्कार दोस्तों, आज जो है स्पेशली देखिए जो दीपावली का दिन है तो मैंने तो दिया परिपचा से बावन को लिया हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि जो मैं स्पेशली जो चौमुखी दिया बना लेती हूँ 4-5 जो पूजा करने से रंगोली में देने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने जो है मिट्टी के पहले से तोड़कर जो टुकड़ी कर लिया है, उसके बाद इसमें हल्का पानी में मिला रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करना है। दिया का मिट्टी जो है सो बालू वाला मिट्टी है, अच्छा नहीं है, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन चिकनी मिट्टी नहीं तो बालू ही है, बालू से काम चलाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ 4 ठोस बनाना है, 4 ठोस दिया बन जाए, क्योंकि मिट्टी भी जल्दी नहीं मिलता है यहाँ पर, शहर है गांव तो नहीं है, गांव में तो स्पेशली मिट्टी कोई कमी नहीं रहता है। अब मैं इस पर ले लेती हूँ, इसको एक रंग करके, ये देखिए इस मिट्टी मैंने सान लिया है एक रंग करके, अब इसको जो है इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे, हाथ से एक रंग कर देंगे, इसको चिपटा कर देंगे, जैसे इसको चिपटा करने के बाद यहाँ पे रखेंगे, इसको मोबाइल अब इसको इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। ये दिया फट रहा है क्योंकि मिट्टी अच्छा नहीं, इसलिए मैं आप सोच रही हूँ सिर्फ मुझे एक ही दिया बनाना चाहिए। इसको एक रंग कर देंगे, इसके बाद इसको देखिए चौमुखी दिया का कोना निकाल देंगे, एक हो गया, ये दूसरा कोना, ये हमारा हो गया तीसरा कोना, उसके बाद ये हमारा हो गया चौथा कोना। इसी तरह से दिया को एक रंग कर लेंगे जिससे दिया दिखने में अच्छा लगेगा। इसी तरह से मैंने इससे आपको से पहले भी बताया था कि चौमुखी दिया गेहूं कांटे का बनाने का इससे अच्छा बनता है, मुझे लगता है उसी कांटे का बनाना पड़ेगा, जल्दी बन भी नहीं रहा है। ये हमारा दिया बनके रेडी हो गया, तो देखिए दोस्तों मिट्टी का दिया है चौमुखी दिया मैंने बना के रेडी कर लिया है। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी दीपावली, दीपावली की हार्दिक जय लक्ष्मी माता की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, गणेश जी की जय, माता जी जय, गणेश भगवान प्रथम पूज्य गणेश जी की जय।